जी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अब कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं, और आगे चल के हमने और साथ ही साथ भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से भी इसको देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप कुछ बेसिक्स क्लियर कर लें कंप्यूटर सिक्योरिटी के हवाले से। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक आम फहम हैं, हम इसके बारे में बहुत सारी जो है बुक्स में भी पढ़ चुके होंगे, हम ऑनलाइन भी अखबार में भी इवन हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हम इनको फॉर्मली जो है हम देख रहे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन, और जो जिनके लिए नए टॉपिक हैं तो हम सिर्फ उतना ही ओवरव्यू लेंगे जितने इस क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स में हमें ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर इंफॉर्मेशन। इसकी अगली डेफिनेशन है, इट इज़ अ साइंस ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन। यानी ये एक ऐसी साइंस है कि जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैकेनिज्म्स हैं उनको किस तरह से सिक्योर किया जाए, दुनिया की जो है आम जो यूज़र है या पढ़ने वाला है, एक ऐसे इस तरह से टेक्स्ट बनाया जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड किया जाए कि दरमियान में किसी भी जो है यूज़र या इंट्रूडर को अंदाज़ा ना हो सके कि ये इस टेक्स्ट का मतलब क्या है असल में। ये जो कम्युनिकेशन को सिक्योर, सीक्रेट कम्युनिकेशन, खुफिया जो है वो कम्युनिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है, और ये आज से नहीं, ये हज़ारों साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमतें, बादशाह अपने कमांडर्स को, कमांडर्स अपने आगे जैली जो आर्मी है उनको, और इसी तरह की जो हसास जो मालूमात हैं एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत के दरमियान, जो कम्युनिकेशन है, जो फ्लो है इसका डेटा का या इंफॉर्मेशन का, उसको किस तरह से जो है सिक्योर किया जाए कि जो इवन जो एक जो कोई भी इंसान उस खत को पढ़ भी ले तब भी उसको अंदाज़ा ना हो कि ये असल चीज़ क्या है। ये 1900 कबल मसीह से, यानी आज से 4000 साल पहले से ही इंसान इसको यूज़ करता हुआ आया है, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ये है कि आज ये कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ हो रही है। आगे चलते हैं, क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू अ फॉर्मेट, यानी जो भी टेक्स्ट डेटा, जो भी जो है पेलोड है जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको एक नए फॉर्मेट में चेंज कर देती है क्रिप्टोग्राफी की साइंस। विच इज़ नॉट रीडेबल बाई एन अनऑथराइज यूज़र, यानी जिस यूज़र को इजाज़त नहीं है या हम नहीं चाह रहे हैं कि ये यूज़र, कोई और यूज़र जो है इसको पढ़ ले या उसका जो टेक्स्ट है उससे अंदाज़ा कर ले कि क्या चीज़ है ट्रांसफ़र किया जा रहा है डेटा, तो जो अनऑथराइज यूज़र है उसे छुपाएंगे हम, छुप जाएगा क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए, जब हम जो डेटा है उसका जो हम फॉर्मेट है वही चेंज कर देंगे। हमने ए भेजना है, हम बी भेज देंगे, अगला जहां रिसीव होगा वहां पे हम ऐसा मैकेनिज्म अगर इंप्लीमेंट कर दें तो वो समझ जाए कि अगर बी आया तो ये असल में ए है। सो इस किस्म की जो साइंस है, जो मैकेनिज्म्स हैं, उसको हम क्रिप्टोग्राफी में कवर करते हैं। एक टर्म है क्रिप्ट एनालिसिस, द साइंस ऑफ एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग द कोड ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो एक डेटा है उसका फॉर्मेट चेंज कर दें इस तरह से कि वो किसी अनऑथराइज यूज़र को पता ना लगे, लेकिन जिस यूज़र को हम बताना चाह रहे हैं असल पैगाम वो समझ जाए कि ये क्या चीज़ है। इसी के साथ जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो है कि एक एनकोडेड इनक्रिप्टेड जो है मैसेज है उसको किस तरह से ब्रेक करना है, असल मैसेज तक कैसे पहुंचना है, ये भी इसकी एक ऑपोजिट साइंस होगी। सो जो क्रिप्टोलॉजी है तीसरी टर्म, वो क्या चीज़ है, वो एक ज़रा ब्रॉडर टर्म है, इन्वॉल्व्स बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। इन क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस से मिलके, यानी इनक्रिप्शन करना, छुपाना डेटा को, फॉर्मेट चेंज करना, और एक छुपे हुए फॉर्मेट का जो डेटा है उस असल डेटा को जो है वो निकालना, ये दोनों साइंसेज जो हैं वो फिर मिलाएं तो हमें क्रिप्टोलॉजी की साइंस जो है वो मिलती है, लेकिन इस मॉड्यूल में हमारा ज़्यादा फोकस क्रिप्टोग्राफी की तरफ ही है। इसमें जो पांच जो प्राइमरी फंक्शन हैं क्रिप्टोग्राफी के, जिससे कि ये इम्प्लीमेंट की जाती है क्रिप्टोग्राफी,
वो क्या है? सबसे पहले है प्राइवेसी, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, ऑथेंटिकेशन यानी असल यूजर को जो है आइडेंटिफाई करना कि सिर्फ जो असल यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, उसको पहचानना, एक्सेस देना उसे. इंटेग्रिटी पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी मैसेज या जो डेटा है उसमें कोई चेंज ना आए, उसकी ओरिजिनलिटी को शो रखना. फिर नॉन रिपुडिएशन, अ मैकेनिज्म टू प्रूव द ओरिजिनलिटी ऑफ द सेंडर, यानी ये एक मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए कोई जो यूजर अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डिनाई नहीं कर सकता कि ये वो यूजर नहीं है. इसका मैं इसको मैं इस चीज को मैं आपको एक और जो है एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि कोई अनऑथराइज यूजर ऑथराइज नहीं बन सकता, ये नॉन रिप्यूडिएशन है. एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो कीज विच आर द स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, ये पांच जो मैं आपके सामने मैकेनिज्म है उसमें सबसे आखिरी है कि वो जो सीक्रेट फॉर्मूले हैं कि जिससे जो सेंडर है वो इनक्रिप्ट करता है, जो चेंज करता है टेक्स्ट का फॉर्मेट, क्रिप्टोग्राफी के जो मेथड्स हैं उसको यूज करते हैं, वो साथ में मैसेज के साथ जो है वो फॉर्मूलाज भी इस तरह से या किसी भी मैकेनिज्म से जो रिसीवर है उस तक वो जो फंक्शन है वो पहुंचा देना कि जिसके थ्रू जब उसको वो कोडेड मैसेज मिले तो उसको वो डीकोड कर सके. तो इसको हम कहेंगे क्रिप्टो की एक्सचेंज. वो जो बिट्स हैं साथ में बेसिकली ज्वाइन की जाती हैं बिट्स के साथ, डेटा के साथ, उनको हम की कहते हैं. ये हम आगे चल के इसको तफसीलन भी देखेंगे. उन कीज के अगर गैर मौजूदगी में हम जो है जो इनक्रिप्टेड कोड है हम उसको डीकोड नहीं कर सकते. सो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में, क्रिप्टोग्राफी में ये भी लाजमी है कि बाकी चीज़ें शोर करने के साथ साथ ये कीज भी एक्सचेंज की जाएं ताकि जो इनकोडिंग और डीकोडिंग जो है वो आराम से परफॉर्म हो सके.